कलिकोट विधायिका घर उपरकु बोमा माड़ कले दुर्वृत्त दुई समर्थक गुरुतर घरे नथिले विधायिका एवं तांको स्वामी दीर्घ दिनर राजनैतिक विवाद गुरुवार अपराह्नरे उग्र रूप धारण करिछि। कलिकोट विधायिका सूर्यमणि बैद्यंकु टार्गेट करिछन्ति विरोधी गोष्ठी। विधायिका निज ग्राम केशपुररे बोमा माड़ करिबा सह केशपुर छकठारे तांकर दुई समर्थकंकु गोड़ाई गोड़ाई आक्रमण करिछन्ति। एथिसहित कलिकोट स्थित विधायिका घरे मध्य भंगारुजा करिछन्ति दुर्वृत्त। एथिरे विधायिका दुई समर्थक मोहन मल्लिक और सीमांचल बेहरा गुरुतर हो ब्रह्मपुर बड़ डाक्तरखाना भर्ती होती। विधायिका और तांको स्वामी घरे नथिबारु आक्रमण बर्ती जाइथिबा बेले पुलिस एवं गाँव में पहुंची स्थिति नियंत्रण करने को चेष्टा जारी रखी। छत्रपुर एसडीपीओ गौतम किशन सदल बेले विधायिका बासभवन में पहुंची घटनार अनुसंधान जारी रखिंट। खलिकोट थाना केशपुर ग्राम से स्थानीय विधायिका सूर्यमणि बैद्यों समर्थक और विरोधी गोष्ठी मध्य अनेक दिन छक्का पंजा लगि रही। तीन दिन तले उभय पक्ष मध्य गंडगोल घटीला और एने थाना पुणी मामला हो। विधायिका किसी समर्थक गुरुवार गंजाम एसपी को दाबीपत्र देवाई छत्रपुर जाते सेठार फेरी केशपुर मछ मार्केट से ओल्लाता बेले दस रु ऊर्ध बैक किसी युवक हाथ में खंडा और विभिन्न मारणास्त्र धरी आक्रमण करते। मोहन मल्लिक और सीमांचल बेहरा गोड़ाई गोड़ाई निर्दम पिटवा सहित खंडार चोट पकड़े। निकटस्थ दमकल केन्द्र कर्मचारी से खलिकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करते। अवस्था गुरुतर थी ब्रह्मपुर बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतरित कर। आक्रमण खबर पाई बहु बीजेडी कर्मी रुंड होई आक्रमण निंदा कर। घटना बाबद निजर प्रतिक्रिया रखी विधायिका सूर्यमणि बैद्य कहते जे ए घटना खलिकोट थाना आईआईसी ए दायी। दीर्घ दिन बिवाद लग रही एने थाना बारंबार अभियोग सत्वे पुलिस कौन पदक्षेप नहीं ना से आज यह घटना घटला बोली विधायिका और तांको स्वामी अभियोग कर। गंजाम सुशांत पटनायक सकाळ खबर।